Hello students, I am in the first unit. Lesson है आपका two. Lesson two जो है आपका उसका नाम है खेल. खेल आप बच्चे बहुत सारे खेलते होंगे. हर तरीके से खेलते हैं. खिलौनों से भी खेलते हैं. मिट्टी से भी खेलते हैं. खिलौने भी कई प्रकार के होते हैं. मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने. कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हमें जीवन में कुछ लक्ष्य तक पहुंचाते हैं. उसके माध्यम से बहुत कुछ सीख जाते हैं. कुछ प्लास्टिक के खिलौने ऐसे होते हैं उनसे हमारे बनाने का भी एक तरीका होता है. उससे खेल से हमें झोपड़ी बन जाती है, जानवर भी बन जाते हैं. ऐसे प्लास्टिक के नमूने होते हैं. खेल खेल में ही बच्चे बहुत कुछ सीख भी जाते हैं. छोटा बच्चा जब होता है तो वह स्कूल में जब जाता है तो उसके लिए खेल के माध्यम से ही उसको पढ़ाया जाता है. तो आपका जो खेल है, इस कहानी में दो बच्चे हैं, सुरवाला और एक बालिका. यानी कि सुरवाला जो है लड़की का नाम है और एक बच्चा बालक है. वो दोनों बहन भाई हैं. तो सुरवाला उससे छोटी है और बालक वो उससे बड़ा है. दोनों बहन भाइयों अत्यंत रिश्ते भी हैं, खेलते भी हैं साथ में. उसके विचारों को वो समझता है और उसके विचारों को वो समझता है. तो उद्देश्य हमारा ये बनता है कि खेल के माध्यम से जीवन के मूल को सत्य को उजागर किया जाता है. यानी कि खेल खेल में हम अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और शिक्षा भी ले लेते हैं. और वह हमारा जीवन एक तरीके से ऐसे पहुँचा दिया जाता है जो हम उसके माध्यम से आगे भी बढ़ जाते हैं. छोटे बच्चों को छोटी क्लास में बहुत सारे खेलों के माध्यम से उसको पढ़ना, गिनती सिखाना और अक्षरों का ज्ञान कराना वो सिखाते हैं. सुरवाला जो है एक नदी के किनारे जहाँ मिट्टी होती है और उस मिट्टी में वह खेलती है. नदी के किनारे के तट की वह मिट्टी ऐसी होती है जैसे मिट्टी में बच्चे खेलते हैं. उनको बहुत आनंद आता है. सुरवाला जो है मिट्टी में खेलती है. आपने कभी देखा होगा मिट्टी के गीला करके बहुत से बच्चे मिट्टी के आकार का बर्तन बनाते हैं, कुछ फ्रूट्स बनाते हैं, यानी कि फलों को बनाते हैं. कुछ इस तरीके से बना बना करके उन खिलौनों को सुखा करके कलर भी करते हैं. वैसे ही सुरवाला नदी के किनारे मिट्टी में भाड़ से मतलब होता है एक तरीके से बनाया जाता है जिसमें नीचे आग डाल करके और उसमें उस बर्तन रखे गए उसके ऊपर उसमें चने हैं, मक्का है, ये सारी चीज़ों को भुना जाता है. नीचे से आग रख दिए तो सुरवाला एक ऐसे मिट्टी से खेलती है और अपने भाई के प्रति वह सोचती है. तो वो मिट्टी में पैर को गला करती है, यानी कि पैर को रख करके ऐसा भार बनाती है कि धीरे से पैर को दबा करके और उसके ऊपर मिट्टी धीरे धीरे थोपती है. थोपने के बाद उस पैर को अचाक से निकालती है धीरे से और फिर सोचती है कि इसके भार बन गया. अगर इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज लगा दिया जाए जिससे ये गिरेगा. फिर धीरे धीरे उस पर मिट्टी डालती है और फिर पैर को निकाल करके उस आकार बन जाता है भार. फिर वो सोचती है कि इसमें भाई आएगा तो बिठाऊंगी तो ऊपर रहेगा तो वो तपेगा, गर्म होगा, फिर वो छटपटा जाएगा. ऐसा उसके मन में विचार आता रहता है. वो सोचती है ये भार तो बन गया लेकिन इसको निकालने के लिए धुआं जो निकले वो कैसे निकले. फिर उसने एक दिमाग लगाया कि इसके धुएं के निकालने के लिए उसने एक सीक लगाई, लकड़ी की सीक. उसमें से लगा करके वो उसमें छेद कर दी जिससे उसका नीचे से आग निकलने के बाद उसका ऊपर धुआं निकलता है. तो इस तरीके से वो एक ऐसा खिलौना बनाया खेल खेल में ही. वो देखने में भी अच्छा लगने लगा और रहने के हिसाब से भाड़ के हिसाब से भी. अब उसके भाई को बुलाती है. वो उसको देखता है किसने ये बनाया. वो खेल में आकर के उसको उस भाड़ को वह
करके फोड़ देता है। वो फोड़ने के बाद वो बहुत नाराज होती है, फिर वह कहती है तो तुमने ये मेरा बाहर फोड़ दिया, अब मैं तुम्हें पिटाई लगाऊंगी। लेकिन वह सोचता है कि ये मेरी पिटाई लगाएगी तो इससे चाहे मैं इसका बाहर फिर से बना दूँ। फिर वह कोशिश करता है उसी बाहर को बनाने के लिए, वह बाहर बन जाता है। फिर दोनों एक साथ खेलते हैं और उसको देखते हैं। वह नाराज तो बहुत होती है लेकिन अपने भाई के प्रति उसको कुछ मतलब प्यार उसने दिखा करके उसको वह क्षमा कर देती है। और इस कहानी में यही उद्देश्य निकलता है कि हमें खेल खेल में अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, दूसरे के प्रति अपनी स्नेह की भावना भी रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों।